गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है मेरी? मुझे ये बताओ कि जो स्क्रीन का कंटेंट है ये आपको प्रॉपरली दिख रहा है, और नीचे में मेरा वीडियो भी दिख रहा है? हेलो हेलो, यस सर। चलिए, स्टार्ट करते हैं फिर, है ना? कितने लोग आ गए हैं? अभी तो तीन ही दिख रहे हैं मेरे को। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि लास्ट जब हम लोगों ने इंटरेक्ट किया था तो कौन सा टॉपिक हम पढ़ रहे थे? आशीष सर, नेटवर्क डायग्राम ही पढ़ रहे थे। अच्छा, नेटवर्क डायग्राम पढ़ रहे थे, तो कौन सा क्वेश्चन अपन ने किया है कुछ मेरे को रिमाइंड कराना, तो मैं समझ जाऊंगा कि कहां तक आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है मैंने। सर, वो ग्रेटर देन वाला कर रहे थे अपन। ग्रेटर देन वाला कर रहे थे? क्वेश्चन बताना, क्वेश्चन बता मेरे को, थोड़ा सा रीड कर क्वेश्चन। तो जिसमें टेबल बनी हुई थी सर, टेबल तो हर क्वेश्चन में बनी थी यार। नहीं, उसमें था ना कि ए बी से पहले होगा और डी ए से, ऐसे कुछ करके था वो। अच्छा, फ्लोट वगैरह अभी नहीं बताया आपको मैंने? मैंने कुछ याद नहीं सर, नहीं बताया सर, नहीं बताया। अगर मैं गलत नहीं हूं ये वाला क्वेश्चन करवाया था क्या आपको? हाँ सर। ठीक है ठीक है ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था? यस सर, कंप्लीट हो गया था। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। एक काम करिए, आप लोगों को जो भी याद है, जितना भी याद है, उसके बेसिस पे आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, और इस क्वेश्चन का आप लोग जल्दी से नेटवर्क डायग्राम बनाकर क्रिटिकल ड्यूरेशन फाइंड आउट करिए। यस सर। 5 मिनट का समय देता हूं, जल्दी से इसका नेटवर्क डायग्राम बना के क्रिटिकल पाथ निकालो। 5 मिनट के बाद मैं आपको इस क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको रिकॉल हो जाएगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, और फिर हम लोग यहां से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चालू हो जाओ।
बन रहा है क्या? सर एक मिनट, बना रहे। मैं भी एक काम करता हूँ, साथ ही साथ बनाते रहता हूँ, ठीक है? तो थोड़ा बेटर आइडिया लग पाएगा। ऐसे ही बनाया क्या सभी का? Yes, सभी का? Yes. देखिए मैं जल्दी से एक बार रिकॉल करा देता हूं आपको, ठीक है? यहाँ पे एक्टिविटीज आपको दी हुई हैं 1 से 2, 1 से 3, 2 से 3। इनका मतलब है कि ये जो एक्टिविटी है ये इवेंट 1 पे चालू हो रही है, इवेंट 2 पे खत्म हो रही है। सिमिलरली ये एक्टिविटी इवेंट 3 पे चालू हो रही है, 4 पे खत्म हो रही है। आपको इन एक्टिविटीज का ड्यूरेशन दिया है, ठीक है? कौन सी एक्टिविटी में कितना समय लग रहा है। मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि नेटवर्क डायग्राम जो है वो प्रोजेक्ट में दी हुई एक्टिविटीज का और इवेंट्स का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, एक डायग्राम है, ठीक है? और यहां पर अपने को क्या करना था कि नेटवर्क डायग्राम प्लॉट करना था। तो नेटवर्क डायग्राम में हम लोग एक्टिविटी को लाइन से एरो मार्क करके दिखाते हैं और हम लोग इवेंट को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले एक इवेंट लिया, इवेंट नंबर 1, कोई डेट, कोई तारीख। इवेंट इज नथिंग बट अ मोमेंट इन टाइम, समय में पल, ठीक है? तो यहाँ पर अपन ने पहला इवेंट ले लिया। पहले इवेंट से अपन ने क्या किया कि एक एक्टिविटी स्टार्ट की, कुछ काम करना चालू किया जिस काम को करने में 15 दिन का समय लग रहा है, और इस काम को एक दूसरे तारीख को इवेंट नंबर 2 पे एंड कर दिया। तो 1 से 2 आ गया 15 दिन। सिमिलरली यहाँ पे आ गया अपना 1 से 3 का 15 दिन, उसके बाद आ गया अपना 2 से 3 का 3 दिन, देन वी हैव 2 to 5 डेज, देन वी हैव 3 to 4 8 डेज, देन वी हैव 3 to 6 12 डेज, देन 4 to 5 1 डे, 4 to 6 14 डे, 5 to 6 3 डे, और आखिरी में है 6 to 7 14 डेज, ठीक है? तो लास्ट वाली जो अपनी एक्टिविटी है 6 से 7, इवेंट 6 पे चालू होती है, 7 पे खत्म होती है, ये आखिरी एक्टिविटी है। और आखिरी एक्टिविटी जब खत्म, तो हम लोगों ने कह दिया कि प्रोजेक्ट खत्म। मतलब प्रोजेक्ट जो है अपना वो इवेंट नंबर 1 पे चालू हुआ था और इवेंट नंबर 7 पे जाके खत्म हुआ है। क्लियर है सभी को? चलिए, तो दिस इज द नेटवर्क डायग्राम। और हम लोगों ने जाना था कि ईएसटी एलएसटी क्या होता है। ध्यान है क्या सभी को? बोलो भाई। तो टाइम बोल जितनी में कंप्लीट होगा। एग्जैक्टली।
आपको याद होगा EST LST निकालने के लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था स्टॉप वॉच वाला, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि इवेंट नंबर वन पे जहां पे पहली तारीख है यहां से एक स्टॉप वॉच ऑन कर देता हूँ। स्टॉप वॉच पे आपको पता है कि स्टार्टिंग टाइम जीरो होता है, जैसे ही जीरो से बटन दबाया काम चालू कर दिया, स्टॉप वॉच ने टाइम कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया। तो दिस टाइम पीरियड कॉमा के इस तरफ वाला, इसको अपन कहते हैं EST, अर्लियस्ट स्टार्ट टाइम, जल्दी से जल्दी चालू करने का समय। स्टॉप वॉच जीरो पे स्टार्ट किया, काम चालू कर दिया। अगर मैं चाहता तो स्टॉप वॉच ऑन करके 5 मिनट डिले कर सकता था, लेकिन मेरे को डिले नहीं करना है क्योंकि मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा हूँ। टाइम को मेरे को यहाँ पे, जो कि एक रिसोर्स है, कमोडिटी है मेरे लिए, उस टाइम को मेरे को ऑप्टिमली यूज करना है, बेस्ट पॉसिबल यूज करना है, समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। तो जीरो पे स्टार्ट कर दिया, जल्दी से जल्दी मैंने इवेंट वन को जीरो पे चालू किया। आप मेरे को बताइए जल्दी से जल्दी इवेंट नंबर टू कब चालू हो जाएगा? 15% वेरी गुड, जल्दी से जल्दी इवेंट नंबर टू विल स्टार्ट एट 15-15 दिन बाद। कोई डाउट है यार तो माइक चालू करके बोल के पूछ लेना, ये नहीं कि चुपचाप बैठे हो, ठीक है। तो वी स्टार्टेड इवेंट नंबर वन एट जीरो, वी स्टार्टेड इवेंट नंबर टू एट अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी 15 पे चालू कर दिया। जल्दी से जल्दी इवेंट नंबर तीन कब चालू होगा? 18 18, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए 0 + 15 15 नहीं होगा, 15 + 3 18 होगा। क्यों? क्योंकि इवेंट नंबर तीन पे दो तीर आके लग रहे हैं, दो एक्टिविटी है, ये वाली एक्टिविटी भी खत्म होनी चाहिए, ये वाली भी खत्म होनी चाहिए। ये वाली तो 15 दिन पे खत्म हो जाएगी, बट ये वाली चालू हुई थी 15 दिन पे, 3 दिन का समय और लेगी और खत्म होगी 18 दिन पे। स्क्रीन पे सब कुछ नजर आ रहा है ना साफ साफ? नहीं आ रहा होगा तो बता देना मेरे भाई, है ना। चलते चलता हूँ, जल्दी से जल्दी इवेंट नंबर फोर कब चालू होगा? जल्दी से जल्दी इवेंट नंबर फोर कब चालू होगा? 26 सर वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी से जल्दी इवेंट नंबर फोर विल स्टार्ट एट 26। ये सब पढ़ चुके हैं भाई, है ना। जल्दी से जल्दी इवेंट नंबर पांच कब चालू होगा? 27 26 और एक 27, ठीक है। जल्दी से जल्दी इवेंट नंबर छह कब चालू होगा? छः बोलो 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 बोलो, 40 सर वेरी गुड। दो तीर आके लग रहे हैं, ये वाला तीर है, ये वाला तीर 27 को निकला था, 3 दिन बाद 30 को आके लग जाएगा, लेकिन ये 26 को निकला है, 14 दिन बाद आके लगेगा कब? 40 को, ठीक है। सॉरी, दो तीर नहीं 3 तीर लग रहे हैं, ये भी लग रहा है, लेकिन ये भी 18 + 12 30 को लगेगा, तो आखिरी तीर 40 को लगेगा। जब तक तीनों तीर नहीं लग जाएंगे तब तक आगे वाला काम चालू नहीं हो सकता, ठीक है। आखिरी आगे बढ़ता हूँ, लास्ट वाला बताओ 7, जल्दी से जल्दी कब खत्म हो जाएगा? 54। 54, तो मैं इसको भी 54 ले लेता हूँ। तुम कहता हूँ भाई इसको 54 कौन बताएगा, जल्दी बताओ। ये है मेरा LST, लेटेस्ट टाइम, लेटेस्ट टाइम, लेटेस्ट टाइम का मतलब है लेट से लेट। तो मैंने अभी चेक किया कि 54 अर्लीस्ट टाइम है। जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट जो है वो 54 दिन पे हो रहा है, पर मैं कह रहा हूं कि लेट से लेट भी 54 दिन, ऐसा क्यों? सर अगर 54 से ज्यादा लेट हो गए तो फिर तो डिले हो जाएगा प्रोजेक्ट। देखो, 54 से ज्यादा लेट हो गए, जो काम 54 दिन में हो सकता है, अगर हम टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं और हमको पता है कि एक काम है जो 54 दिन में किया जा सकता है, और उस काम को अगर हम लोग 55 दिन में करते हैं, 56 दिन में करते हैं, तो भैया वहां पे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, वहां पे टाइम बर्बाद हो रहा है, समझ रहे हो ना। इसके लिए हमने प्रोजेक्ट का जो एंडिंग पीरियड है उसको 54 पे फिक्स कर दिया, ताकि हम लोग प्रोजेक्ट में टाइम का प्रॉपर एनालिसिस कर पाए। 54 से कम पॉसिबल है क्या? 53-52 दिन पे कर सकते हो क्या? नो नहीं कर सकते, समझ गए ना। तो ठीक है, अब मैं 54 के हिसाब से बैकवर्ड कैलकुलेशन करता हूँ। 54 - 14 40, मतलब ये वाला जो इवेंट है ये भी लेट से लेट 40 पे चालू हो सकता है। 40 का 42 कर दोगे तो 42 - 14 56 हो जाएगा, प्रोजेक्ट आपका डिले हो जाएगा। लेट से लेट इवेंट नंबर पांच को कब रख सकता हूँ? 37 36 37 37, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लेट से लेट इवेंट नंबर चार को कब रख सकता हूँ? 26 वेरी गुड 26 6 लेट से लेट इवेंट नंबर थ्री कब रख सकता हूँ? सर 18
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, लेट से लिया टीममेट नंबर 2 कब रख सकता हूँ? सो 15 क्यों 37 माइनस 5 32 नहीं होगा? नो सर, वहां से फिर थर्ड थ्री वी पे भी जाना है ना, थर्ड इवेंट पे भी। वेरी गुड वेरी गुड, बेहतरीन बेहतरीन, सही चल रहा है दिमाग, सही चल रहा है। लेट से लेट जो है इवेंट नंबर 1 को 0 पे, 0 यस सर। ईएसटी एलएसटी निकल गया। अब अपने को पता है जिनका ईएसटी एलएसटी सेम है ये इवेंट कौन सा इवेंट कहलाते हैं? क्रिटिकल इवेंट। क्रिटिकल इवेंट, क्रिटिकल इवेंट का मतलब होता है, जल्दी बोलो यार सर। सर टाइम जो लिस्ट टाइम होता है और अर्लीस्ट टाइम होता है वो सेम होता है। क्रिटिकल इवेंट का कंप्लीट करना जरूरी है, ये लेट हो गया प्रोजेक्ट। यहां पर अपन बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं कर सकते। अगर मैंने ये वाले इवेंट की बात किया, 3 नंबर इवेंट जो कि क्रिटिकल है, ईएसटी एलएसटी सेम है, तो इसका मतलब है कि इस इवेंट को झक मार के 18 पे चालू करना है। 18 का अगर 19 हो गया तो प्रोजेक्ट स्वाहा, समझे ना। सिमिलरली इन इवेंट्स के बीच में जो एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि एक्टिविटी 1 से 2, एक्टिविटी 2 से 3, एक्टिविटी 3 से 4, एक्टिविटी 4 से 6, 6 से 7, ये एक्टिविटी क्रिटिकल एक्टिविटी है। अगर इस एक्टिविटी में लिखा है कि 3 दिन का समय करने को है तो मतलब 3 दिन में करना है, 3 का 4 कर दिया तो बेड़ा पार, समझ गए? समझ गए ना। तो 1 2 3 4 6 7 जो है ये हो गई आपकी क्रिटिकल पाथ, सीपी क्रिटिकल पाथ, समझ गए ना। और इसमें समय कितना लग रहा है? 1 से 2 में लग रहा है 15 दिन, 2 से 3 में 3 दिन। अच्छा समय तो मैं निकाल चुका हूँ, दिस इज द टाइम। सो 54 days इज द क्रिटिकल ड्यूरेशन, 54 days क्रिटिकल या फिर मिनिमम ड्यूरेशन। ठीक है, क्लियर है सभी को? सिंपल सवाल था ये आपको रिकॉल कराने के लिए। आगे बढ़ जाऊं मैं सर? 2 का एलएसटी, 2 का एलएसटी। अच्छा देख, 2 का 2 पे देख क्या हो रहा है। 2 पे देखना, एक तीर यहां से आके लग रहा है, एक तीर ना उल्टा यहां से आके लग रहा है, दो तीर लग रहे हैं। ठीक है, अगर मैं 2 का एलएसटी निकालूंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, 37 माइनस 5 करके यहाँ 32 लिख सकता हूँ, और मैं लिख सकता हूँ 18 माइनस 3 करके यहाँ पे 15। तो मैंने 15 क्यों लिखा, ठीक है ना। देखो 15 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अगर मैं 37 माइनस 5 यहाँ पे 32 लिख देता, 32 लिख देता, मान लो 32 लिख देता, लेट से लेट अगर मैं इसको 32 पे चालू करता, तो होता क्या कि 32 पे चालू करने की वजह से 3 दिन के बाद ये वाली एक्टिविटी या ये वाला जो इवेंट है ये 35 तारीख को होता, और अगर ये 35 को होता तो 35 12 47 हो जाता, और 47 14 मेरा प्रोजेक्ट डिले कर जाता। ठीक है, तो मेरे को ये ध्यान में रखना है कि प्रोजेक्ट भैया 54 दिन पे खत्म होना चाहिए, प्रोजेक्ट शुड नॉट एक्सीड 54 डेज। उसके हिसाब से ही मेरे को ईएसटी एलएसटी लिखनी है। ईएसटी और एलएसटी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है पर्टिकुलर इवेंट का, लेकिन उससे मेरे प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, दैट इज इट। ठीक है, रिमेंबर द वेरिफिकेशन स्टेटमेंट, वो वाला स्टेटमेंट याद करो जो मैंने कहा था कि जब मैं ईएसटी निकालता हूं, देखो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे 2 तीर लग रहे थे ईएसटी निकालते समय। ठीक है, मेरे पास ऑप्शन था यहाँ पे 15 + 5 = 20 लिखने का, और ऑप्शन था 26 + 1 = 27 लिखने का, तो मैंने बड़ा वाला लिख दिया। ईएसटी निकालते समय हमेशा हायर वैल्यू ले लेना, और एलएसटी निकालते समय यहाँ पर मेरे पास 2 तीर लग रहे थे, एक ये ऑप्शन था मेरे पास 32 लिखने का या 15 लिखने का, पर 32 नहीं लिखा, लिखी छोटी वैल्यू, तो एलएसटी निकालते समय हमेशा छोटी वैल्यू, LST में लोअर वाला, EST में हायर वाला, इस तरीके से वेरिफिकेशन कर सकते हो। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर द रीजनिंग, लॉजिक याद रखो कि किस लॉजिक से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है, रीजनिंग क्या है। ठीक है ना, तो आपको क्या है, कभी भी कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है क्या अभी? यस सर। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। चलिए, ये क्वेश्चन सबको बोर्ड पे क्लियर नजर आ रहा है एकदम, आपके आपके स्क्रीन पे? यस सर। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको एक नेटवर्क डायग्राम बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, लेट मी स्टार रेट दिस प्रॉब्लम, दिस इज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम बट अ वेरी गुड प्रॉब्लम, वेरी गुड। अब देखो इस प्रॉब्लम में नेटवर्क डायग्राम बनाना है, आपको दिया हुआ है एक्टिविटी है आपके पास बी सी ई एफ एल जी एच आई एम एन एन जे पी क्यू, और आपको प्रीडिसेसर भी दिया हुआ है। प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है भाई?
बोलो बोलो बोलो। पहले पहले वाला तो देखो यहाँ पे लिखा है कि एक्टिविटी बी और सी इसका प्रीडिसेसर कुछ भी नहीं है, मतलब एक्टिविटी बी और सी कैसी एक्टिविटी इंडिपेंडेंट। है? शाबाश, वेरी गुड, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है ये। एक्टिविटी किसी एक्टिविटी पे डिपेंड नहीं कर रही है। अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया मैंने, अगर काम करना चालू किया, तो बी और सी को सबसे पहले टारगेट करूंगा, क्योंकि तो इसके पहले किसी एक्टिविटी को करना कोई भी जरूरी नहीं है। लेकिन ई और एफ इंडिपेंडेंट नहीं है, ई और एफ डिपेंड कर रहे हैं बी पे। ई और एफ के आप प्रीडिसेसर बी है, मतलब जब तक बी नहीं हो जाता तब तक मैं ई और एफ एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, तो सुनो, आपको यहाँ पे एक नेटवर्क डायग्राम खींचना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ नेटवर्क डायग्राम। मेरी बात सुनकर चलिएगा ध्यान से, ठीक है। मैं यहां पर आपको दो नई चीजें बता रहा हूं इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क डायग्राम, ध्यान से देते चलिएगा। देखो, मान लो कि एक इवेंट है वन और एक इवेंट है टू। अगर मैं एक एक्टिविटी लेता हूं ए, जो कि इवेंट वन पे चालू होती है, टू पे खत्म होती है, और मैं कहता हूं कि ये एक्टिविटी कंज्यूम करती है 10 दिन। सिमिलरली मैं एक एक्टिविटी लेता हूं बी, जो कि वन पे ही चालू होती है और टू पे ही खत्म होती है, सिमिलर टू ए, जो कि वन पे चालू होके टू पे खत्म हो रहा है। बी भी वन पे चालू होके टू पे खत्म होता है, पर बी जो है ये लेता है 12 दिन। सुनते चलिएगा। तो अगर मान लो कि मैं यहां पे वन पे लिखता हूं EST 0, तो यहां पे टू पे मेरा EST कितना आएगा? बोलो भाई, 10 की 12। तो 12 आएगा। शाबाश, 12 आएगा। मेरे भाई, अगर मेरे को यहाँ से कोई एक एक्टिविटी बनानी है ई, जो कि ए और बी दोनों पे डिपेंड कर रहा है, जब तक इवेंट नंबर टू पे ए और बी दोनों खत्म नहीं होंगे, ई नहीं बना सकता। ए 10 दिन पे खत्म होगा, बी 12 दिन पे खत्म होगा, तो इसका मतलब है ना कि इवेंट नंबर ई जो है 12 दिन से पहले चालू नहीं हो सकता। ठीक है ना, ठीक है, 12 लिख दिया। मान लो मैंने इसका LST भी लिख दिया 12। मान लो मेरा प्रोजेक्ट यहीं पे एंड हो चुका था। लेट मी इरेज दिस पार्ट। ठीक है, मैं इसका LST भी लिख देता हूं 12, तो यहां पे आया तो LST हो गया 0। अब देखो, मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे पूछूंगा एक्टिविटी वन से टू, या आपसे पूछता हूं कि इवेंट नंबर वन इवेंट नंबर टू, तो इवेंट नंबर वन और टू क्या क्रिटिकल इवेंट है क्या? इवेंट नंबर वन और टू क्या क्रिटिकल इवेंट है क्या? यस सर। भैया ने इसका EST LST सेम दिख रहा है, क्रिटिकल है। यस सर। अब अगर इवेंट नंबर वन और टू क्रिटिकल है, तो भैया उस हिसाब से तो एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी दोनों क्रिटिकल होना चाहिए, बोल पाए ना। यस सर। लेकिन मेरे को ध्यान से देख के बताओ, क्या एक्टिविटी ए जो है ये क्रिटिकल एक्टिविटी है क्या? नो सर। नो सर। अबे 10 दिन लग रहा है, 12 दिन का समय है करने का, मतलब 2 दिन तो एक्स्ट्रा है मेरे पास, समझ रहे हो ना? यस सर। और दो दिन अगर एक्स्ट्रा है, इसका मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम है, क्रिटिकल नहीं है ये। लेकिन नेटवर्क डायग्राम तो जो जानकारी दे रहा है, उस हिसाब से ये क्रिटिकल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, काम की बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। अगर एक एक्टिविटी के साथ साथ एक और एक्टिविटी, मतलब
दो या दो से अधिक एक्टिविटीज, फिर से रिपीट करता हूं, दो या दो से अधिक, दो यानी कि यहां पे हो गया ए और बी, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कोई एक एक्टिविटी सी भी ऐसे हो सकती है जो बोल दूंगा मैं कि सी ले रहा है 11 दिन, तो दो या दो से अधिक एक्टिविटी, एक से ज्यादा, दो या दो से अधिक, अगर सेम इवेंट पे चालू होके सेम इवेंट पे खत्म होती है, ए बी सी तीनों यहां पे एक ही इवेंट पे चालू हो रहा है, एक ही इवेंट पे खत्म हो रहा है, तो आप इस तरीके से नेटवर्क डायग्राम नहीं खींच सकते। दिस इज द इनकरेक्ट वे टू कंस्ट्रक्ट द नेटवर्क डायग्राम। आपको क्या करना पड़ेगा जरा ध्यान से देखते चलिएगा, आप सबसे पहले इवेंट लोगे वन, सबसे पहला काम करोगे यहां से बनाओगे एक्टिविटी ए, 10 दिन खत्म कर दोगे इवेंट नंबर टू पे, सुनते चलिएगा। ए ले लिया था मैंने गलती से, इन तीनों में से जिसका भी ड्यूरेशन हाईएस्ट है बी, सबसे पहले मैंने क्या किया कि उसको ड्रॉ कर लिया। इसके बाद मैं इवेंट नंबर वन से प्लॉट करूंगा एक्टिविटी ए 10 दिन, और इवेंट नंबर वन से ही प्लॉट करूंगा एक्टिविटी सी 11 दिन। अब मैंने बी को यहां खत्म कर दिया था, बी का लिख लेता हूं 0, यहां पे बी का लिख लेता हूं 12, लेकिन मैं ए और सी को भी यहां खत्म करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि यार ये दोनों भी तो वन पे चालू हो रहा है और टू पे खत्म हो रहा है। सुनते चलो माइक बंद रखो अपना यार। मैं क्या करूंगा कि नेटवर्क डायग्राम सही से बनाने के लिए यहां पे ले लूंगा एक तीसरा इवेंट, यहां पे ले लूंगा एक चौथा इवेंट, और इन दोनों को मैं एक डॉटेड लाइन से जोड़ दूंगा। माइक बंद रखो भाई, माइक बंद रखो। दिस डॉटेड लाइन D1 जिसको मैं लिख रहा हूं, ये कहलाती है डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी, डमी का मतलब क्या होता है? डमी का मतलब होता है फेक, फेक फर्जी। असल में यहां पे कोई एक्टिविटी है ही नहीं, दैट्स व्हाई आई एम रिप्रेजेंटिंग इट विद अ डॉटेड लाइन। लेकिन अगर मैं इस एक्टिविटी को ड्रॉ नहीं करूंगा तो कभी भी ये पता नहीं चलेगा कि इवेंट, सॉरी एक्टिविटी ए जो है ये भी इवेंट नंबर टू पे खत्म हो रही है, कभी भी ये पता नहीं चलेगा कि एक्टिविटी सी जो है ये भी इवेंट नंबर टू पे खत्म हो रही है। द रियलिटी इज कि ऑल दीज थ्री इवेंट शुड एंड एट इवेंट नंबर टू, लेकिन नेटवर्क डायग्राम अगर ऐसा बना दूंगा तो सब उल्टा फुल्टा दिखेगा, गलत गलत समझ में आएगा, किसी एक्टिविटी के बारे में सही जानकारी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैंने नेटवर्क डायग्राम इस तरीके से बनाया तो देखो 0 यहाँ पे आ जाएगा, 10 यहाँ पे आ जाएगा, 11 यहाँ पे आ गया है, 12। अब अगर यहां से कोई अगली एक्टिविटी बनाऊंगा तो इसे साफ साफ पता चल रहा है कि ये वाली जो एक्टिविटी बी है ये क्रिटिकल है, ए और सी क्रिटिकल नहीं है, बट यहां से कोई अगला एक्टिविटी 12 तारीख से पहले चालू नहीं हो सकता। यस सर। अरे यार कुछ समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को क्या? आ गया सर, आ गया। आ गया ना? एक बार हैं? एक और बार जल्दी से इसको इरेज कर दिया जाए। मैंने बोला एक है इवेंट नंबर वन, इवेंट नंबर टू, यहां से मैं बना देता हूं एक्टिविटी ए, मान लो एक्टिविटी ए बना दिया 10 दिन, यहां से बना दिया एक्टिविटी बी 12 दिन, इसको खत्म कर दिया इवेंट नंबर तीन पे, यहां से बना दिया एक्टिविटी सी 11 दिन, इसको खत्म कर दिया 4 पे, और क्या किया कि 3 और 2 के बीच में लगा दिया डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन लगाने का मतलब है कि यहां कुछ रिश्ता है, रिश्ता है, हिंदी में रिश्ता, इंग्लिश में रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप है।
और ये जो डॉटेड लाइन मैंने लगाई है, ये जो डॉटेड लाइन मैंने लगाई है, फिर इसमें तो डमी ए और सी में बनेगी ना क्या? एक मिनट रुकिएगा ना, हाँ सुनो सुनो सुनो, किसी ने कुछ बोला मेरे से अभी, क्या बोला भाई जल्दी से बता, डमी कहाँ बनेगा कह रहा था? ए और सी में बनेगा। यस सर, क्योंकि मैक्सिमम टाइम सर टू वर्क तो सर 12 दिन के बाद ही हो सकता है ना पूरा, क्योंकि ए और सी भी उसमें वर्क कर रहे हैं। रुक तो जा, देख भाई डमी जो है इसलिए नहीं बनाया गया है कि मेरे को ए और सी में रिश्ता दिखाना है, डमी इसलिए बनाया गया है कि जो इवेंट नंबर सी है ना, ये कहाँ पे खत्म हो रहा है? जल्दी बोलो। टू पर सर। मैंने खत्म कहाँ किया है? फोर पर। मेरे को फोर और टू में रिश्ता दिखाना है कि भैया ये जो सी है ना खत्म होना चाहिए था टू पे, सिमिलरली बी भी खत्म होना चाहिए था टू पे, तो बी को जहां खत्म किया है वहां से टू के बीच में रिश्ता दिखाया हूं। समझ रहे हो ना? अभी ध्यान देना, अभी समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा जीरो, सुनते चलना, मैंने यहाँ पे लिखा 12, मैंने यहाँ पे लिखा 11, अब मेरे को बता दो बस कोई यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 12। वेरी गुड, पूरा समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर, जिसने 12 बोला, वेरी गुड भाई, है ना? देखो कायजे से ए जो है ये 10 दिन की एक्टिविटी है, लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि इवेंट नंबर टू पे इनका भी खत्म होना जरूरी है, तो यहां से दिख रहा है कि ये तो 12 तारीख पे खत्म होगा, ये 11 पे खत्म होगा, अगर ये 10 पे खत्म भी हो गया तब भी मैं अगला इवेंट चालू नहीं कर सकता ना। हाँ सर, तो मैं यही तो बोल रहा हूँ सर, जैसे क्रिटिकल जो, यदि हमें क्रिटिकल इसमें देखना है कौन सा इवेंट है, तो हाँ। तो सर इसमें ए और सी क्रिटिकल इवेंट नहीं आएंगे? इसमें अगर मेरे को क्रिटिकल समझना है तो मेरे को लगाना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग, मैं सिर्फ ये रट्टा मार लूंगा कि ईएसटी एलएसटी सेम है तो क्रिटिकल है, तो हिसाब किताब गड़बड़ा जाएगा। हाँ सर, इसीलिए तो सर ए जो है वो 10 डेज में हो रहा है, लेकिन उसका फिनिशिंग टाइम 12 डेज है, तो 2 डेज पहले, मतलब 2 डेज इसके पास फ्री है, 2 डेज फ्री वाले के पास। वेरी गुड, समझ गया, तू भी समझ गया, ठीक है ना? तो ये क्रिटिकल, तो क्रिटिकल ए भी नहीं हुआ और फोर वाला भी, ये ए वाला भी नहीं हुआ, नहीं है क्रिटिकल, बी भी नहीं है क्रिटिकल, क्या है? बी वाला सर, बी क्रिटिकल है। दैट्स सर, ये क्या बी में बीडी1? बीडी1 क्या मतलब? मतलब पूछा क्रिटिकल पाथ लिखो, तो क्या लिखेंगे? 1 3 2। क्रिटिकल पाथ लिखोगे 1 3 2। ओके सर, ठीक है। अच्छा, डमी एक्टिविटी जो है ये एक फेक एक्टिविटी है, ऐसी कोई एक्टिविटी है ही नहीं, आपको क्वेश्चन में ऐसी एक्टिविटी नहीं दी हुई है, लेकिन आपने ये एक्टिविटी क्यों लगाई है? ताकि आप क्या दिखा सको? रिलेशनशिप, समझ गए ना? तो डमी एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव है टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप, रिलेशनशिप दिखाने के लिए वी मेक यूज ऑफ डमी एक्टिविटी। और डमी एक्टिविटी, सुनो मेरे बात ध्यान से, काम की बात सुन लिया करो एकदम कान खोल के, डमी एक्टिविटी का इस्तेमाल मैं तभी करूंगा जब दो या दो से अधिक एक्टिविटीज, ए बी या ए बी सी या ए बी सी डी, दो या दो से अधिक एक्टिविटी सेम इवेंट पे चालू होगा और सेम इवेंट पे खत्म होगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके अलावा क्रिटिकल से कोई लेना देना नहीं है ना डमी एक्टिविटी? कोई क्रिटिकल से कोई लेना देना नहीं है, समझ गए ना? जहां पे डमी आ गया वहां पे थोड़ा सा ईएसटी एलएसटी में आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो मैंने ये जरूर कहा था कि क्रिटिकल इवेंट्स को देखो, उनका ईएसटी एलएसटी सेम है, पर मैंने कभी ये नहीं कहा था कि ईएसटी एलएसटी सेम होगा तो क्रिटिकल ही होगा। सर इसमें एलएसटी लिखो तो सर एक बार समझ आ जाएगा सही। ये देख, 12 12 11,
ठीक है। अरे सॉरी, ये भी 12, ठीक है। सेम ही है ना, इसमें भी देखो सर। हाँ समझ गए ना। चलो ये नेक्स्ट। अब मैं इसको जो है रफ कर दे रहा हूँ। और एक चीज और देख लो, मान लो कि कोई एक एक्टिविटी है, लेट से ए चालू हुआ 1 पे, यहाँ खत्म हो गया 2 पे, लेकिन मेरे को खत्म करना था इसको 3 पे। मान लो एक्टिविटी ए 1 पे चालू करके 3 पे खत्म करना है, लेकिन ये खत्म कर दिया मैंने 2 पे। कहीं ऐसी सिचुएशन आ गई, तब भी आप क्या करोगे? 2 और 3 के बीच में क्या लगा दोगे? ठीक डमी है ना। नेटवर्क डायग्राम में एक चीज और समझने की है, आप कभी भी नेटवर्क डायग्राम में ऐसा क्रिस क्रॉसिंग नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि ये इवेंट नंबर 1 था तो यहां से बना दिया 2, और ये इवेंट नंबर 3 था तो यहां से बना दिया ऐसा 4 करके। दिस इज नॉट अलाउड इन नेटवर्क डायग्राम। आप अलग अलग बनाइए, 1 से ऐसा करके 2 बनाइए और 3 से ऐसा करके 4 बनाइए। बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है भाई? देयर विल बी नो क्रिस क्रॉसिंग इन नेटवर्क डायग्राम। सर, इस बीच नंबर ऑफ इवेंट्स बढ़ा सकते हैं हम? अरे बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो सबकी कोई समस्या नहीं है, चिंता मत करो। जो प्रॉब्लम मैंने अभी आपको ऊपर पे लिखा है ना, दिस प्रॉब्लम, दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, अभी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे आते हैं। इसका नेटवर्क डायग्राम अगर आप लोग बना लिए, इसको बनाने में अगर सक्सेसफुल हो गए, या फिर मेरे से अभी मैं जब इसको बनाऊंगा तो अगर आपको इसमें एक एक चीज अगर क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई, तो भैया नेटवर्क डायग्राम पे तुम मास्टरी हासिल कर चुके हो। इसके बाद नेटवर्क डायग्राम में कुछ नहीं बनता, कुछ नहीं बचता, सब उखाड़ के फेंक दोगे। ठीक है, चलो मेरे को बताओ कि नेटवर्क डायग्राम बनाते समय अगर आपको ऐसा नहीं दिया होता है कि 1 से 2, 2 से 3, इस टाइप का नहीं दिया है, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ता है? पहले नंबरिंग, कौन रैंकिंग। शाबाश, वेरी गुड, रैंकिंग। रैंकिंग करो भाई, रैंकिंग करो। तो मेरे को बताओ कि बी और सी इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं वन करता, वन वन इसकी रैंकिंग वन। वन। शाबाश शाबाश, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। ई और एफ बी पे डिपेंड कर रहा है, बी का रैंकिंग 1 तो ई और एफ का रैंकिंग टू टू एल। सी पे डिपेंड कर रहा है, सी का रैंकिंग 1 तो एल का रैंकिंग। टू जी सी और एफ पे डिपेंड कर रहा है, ध्यान देना, थ्री इसका रैंकिंग 1 है, एफ का 2 है तो जी का। थ्री एच डिपेंड कर रहा है ई और जी पे, फोर फोर वेरी गुड। आई डिपेंड कर रहा है एच और एल पे, फाइव फाइव शाबाश शाबाश शाबाश। एम डिपेंड कर रहा है एल पे, बोले यार जल्दी बताओ। थ्री 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 एन डिपेंड कर रहा है एच और एल पे, फाइव फाइव जे डिपेंड कर रहा है एच और एल पे, फाइव फाइव पी डिपेंड कर रहा है आई और जे पे, सिक्स सिक्स क्यू डिपेंड कर रहा है एम और एन पे। सिक्स मेरे को ये बताओ भाई, कोई ऐसा है क्या जिसको दिक्कत है? एनीबॉडी? चलिए आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। अब नेटवर्क डायग्राम खींचते हैं। ये रैंकिंग देने का फायदा ये होगा अपने को कि अपने को मालूम है सबसे पहले अपने को फर्स्ट रैंक वाले को टारगेट करना है, फिर सेकंड रैंक वाले को, फिर थर्ड रैंक वाले को। तो देखो थर्ड रैंक में एक एक्टिविटी जी है, एक एक्टिविटी एम है, उसके बाद आऊंगा मैं एच पे, उसके बाद आऊंगा आई पे, उसके बाद जाऊंगा एन जे पी क्यू पे, समझ गए ना। रैंकिंग वाइज चलूंगा, कलर चेंज करने दो पेन का। हाँ चलो, तो अब मैंने बनाया इवेंट नंबर 1। इवेंट नंबर 1 से मैंने 2 एक्टिविटी बना डाली, एक्टिविटी बी एक्टिविटी सी। बी और सी का काम तमाम कर दिया। बी और सी के बाद आता हूं ई और एफ पे। ई और एफ किस पे डिपेंड कर रहा है? बी पे। अबे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सर E और F अगर B पे डिपेंड कर रहा है, तो मतलब जहां पे खत्म होगा B, टू वहां से बनाऊंगा E और एफ और वहां से बनाऊंगा F। क्या इस बात पे है किसी को कोई डाउट? धीरे सर। धीरे बढ़ रहा हूं, ठीक है। 2 नंबर में E और F का काम तमाम कर दिया,
चलता हूं एल पे, एल डिपेंड कर रहा है किस पे, सी पर, सी पे डिपेंड कर रहा है, तो सी को खत्म किया मान लो तीन पे, और जहां पे सी खत्म वहां से बना दूंगा क्या, बोलो ना यार, बोलो ना यार। यस सर। दो नंबर वाले सबका काम तमाम, दो नंबर के बाद आते हैं तीन नंबर वालों पे, तीन नंबर पे किसकी किसकी बारी है, जी और एम की बारी है। पहले जी टारगेट कर लेते हैं। देखो जी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, जी जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस पे डिपेंड कर रहा है, सी और एफ। अबे इसका मतलब ये है कि जब तक सी और एफ दोनों एक पर्टिकुलर डेट पे जाके एंड नहीं होंगे तब तक मैं जी को बना नहीं सकता। सी और एफ दोनों खत्म होने चाहिए, दोनों प्रीडिसेसर हैं जी के, दोनों खत्म होंगे तभी जाके जी बनाना पॉसिबल है। अरे बोलना यार। यस सर। अब सुनो सुनो सुनो, ये देखो ये एफ, ध्यान दो बे, ध्यान दो, ये एफ है। अब एफ को मान लो मैं खत्म कर देता हूं चार नंबर पे, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि यहाँ पे चार नंबर पे एफ के साथ साथ और क्या खत्म होना चाहिए, सी। लेकिन सी तो खत्म हो गया कहाँ पे, थ्री पर। तो अगर सी खत्म हो गया थ्री पे, सी को खत्म करना है चार पे, तो क्या करूंगा, डमी। अबे वेरी गुड यार, वेरी गुड, तुम लोग एकदम सही जा रहे हो, एकदम सही जा रहे हो। ये लगा दिया अपन ने डमी, कोई दिक्कत कोई समस्या, सुनते चलो सुनते चलो सुनते चलो सुनते चलो। जी का काम तमाम, जी के बाद किसकी बारी है, जी के बाद किसकी बारी है भाई, एम की, एम बारी, एम डिपेंड कर रहा है एल पे। ये देखो मजेदार तरीके से एल को खत्म किया पांच पे, यहां से बना दिया एम। अब मेरे को बताओ कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, नो सर। चलो तीन नंबर के बाद किस पे आते हैं, चार नंबर पे, चार नंबर की एक्टिविटी एच, किस पे डिपेंड कर रही है, ई पे और जी पे, ठीक है, बोलो ना यार। अरे मैं जी तो बनाना भूल ही गया था, यहां से बना दिया जी। F यहाँ खत्म किया, C को भी यहीं पे खत्म किया, डमी लगा के यहाँ G बना दिया। G जो है C और F पे डिपेंड कर रहा है। G बनाने के बाद मैंने M बनाया तीन नंबर, अब आया हूँ H पे, H डिपेंड कर रहा है E और G दोनों पे। तो देखो ये तो मेरा G है, इसको मस्त आराम से खत्म किया इवेंट नंबर 6 पे, लेकिन अगर मैं यहाँ से बनाना चाहता हूँ H, तो यहाँ पे और क्या खत्म होना चाहिए, इसको तो सीधा लाके ऐसा एंड कर देंगे। अरे यार अब कई लोगों को लग रहा होगा सर ये क्या कर दिए यार, अबे देखो बे, अबे देखो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा एंड नहीं कर रहा। हाँ सर ठीक है ठीक ठीक, आगे आगे, ये लाइन लेके सीधा जोड़ देता हूँ ना, लो अब ठीक है क्या, अब ठीक है ना। तो E और G दोनों को एंड किया, यहां से बना दिया अपन ने H, इसका भी काम कर दिया तमाम। अच्छा H बन गया, चार नंबर का खत्म, अब किस पे जाऊंगा, बोलो आई, पांच। अब देखो पांच नंबर पे ना तीन ठोक है, आई भी है, एन भी है, जे भी है, और तीनों किस पे डिपेंड कर रहा है, एच एल, एच और एल पे। अच्छा देखो एच तो यहाँ पे चालू किया, एच को यहाँ पे खत्म भी कर दिया सात पे, लेकिन ये सात पे एच के साथ साथ और क्या खत्म होना चाहिए, यहाँ पे यूज होगी सर ये एच के बीच में, ठीक है। तो एल जो है पांच पे खत्म हो चुका था, तो पांच और सात के बीच में क्या लगा दूंगा, डमी लगा दो सर, डमी डी वन लगा चुका हूँ, तो इसको डी टू लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत कोई समस्या। अच्छा यहां से जहां पे H और L दोनों खत्म हो रहे हैं, H और L दोनों खत्म हो रहे हैं,
यहाँ से तीन एक्टिविटी बनाई जा सकती है, आई भी बना सकते हैं, एन भी बना सकते हैं, जे भी बना सकते हैं, ठीक है, समझते चलना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे तीन एक्टिविटी बना देता हूँ, ये बना दिया मैंने आई, आई ये बना दिया मैंने एन, और ये बना दिया, अरे यार रुको रुको जरा सा रबर ले लिया जाए, आई जे एन, वन मिनट ना। हाँ भाई सॉरी फॉर द इंटरप्शन, है ना। तो यहाँ पर मैंने बना दिया आई जे एन, तीनों बना दिया है, ये भी बना दिया, ये भी बना दिया, ये भी बना दिया। पांच नंबर वाले खत्म कर दिए हैं, छह नंबर वाले पे आता हूं। लेट अस टारगेट पी फर्स्ट। पी जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, आई और जे पे, ठीक है। सुनो सुनो ध्यान से सुनो मेरी बात, सुन रहे हो? पी डिपेंड कर रहा है आई और जे पे, इसका मतलब क्या है, अगर पी बनाना है तो आई और जे कंप्लीट होना चाहिए, आई और जे दोनों एक पॉइंट पे आके एंड होने चाहिए। अब देखो दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत ये हो रही है कि आई और जे स्टार्टिंग यहां से हुए हैं, क्या दोनों एंड एक जगह पे हो सकते हैं क्या? ओ सर डमी आएगी, डमी आएगी, बस यही समझाना था भाई। नमस्कार लोगों, तो पहले जे को एंड कर देता हूं, इसको अलग एंड कर देता हूं, और इन दोनों के बीच में क्या लगा दूंगा, समझ में आया क्या? अच्छा नहीं आया क्या? आ गया सर। और यहां से क्या बना लूंगा, पी, कोई दिक्कत कोई समस्या? तो भाई समस्या, तो सर हाँ भाई सुनो 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 अब इसके बाद क्यू की बारी है, ठीक है ना, क्यू की बारी है। क्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, एम और एन पे। अब ये है एन, ये है एम, दोनों को खत्म किया, एक इवेंट नंबर 9 दे चुका हूं 10 पे, यहां से बना दिया Q, चलेगा ना? Yes, sir. और ये P और Q दोनों आखिरी एक्टिविटी है भाई, छठवें नंबर की, इसके बाद कुछ नहीं बचता,
तो दोनों को एक तारीख पे ले जाकर खत्म कर दूंगा और यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट क्या हो गया, फिनिश फिनिश हो गया। अब ये बताओ कि ये जो नेटवर्क डायग्राम बनाया है, इतना विशाल, इतना हेवी नेटवर्क डायग्राम, ये सबको क्लियर समझ में आ गया क्या? यस सर। डमी लगी है, डमी नंबर D1, डमी नंबर D2, डमी नंबर D3, तीनों डमी क्यों लगी है, ये आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया क्या सर? अगर जहाँ डमी की जरूरत नहीं है वहां लगा दी डमी तो कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? देखो, जहां पे डमी की जरूरत नहीं है वहां डमी नहीं लगाना चाहिए। वैसे समझाऊं, अगर मैं आपको सही बताऊं तो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो डमी तो तुमने लगाया है ना, और डमी तुमने लगाया है तो तुम वहां पे अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करके समझ सकते हो कि ईएसटी एलएसटी क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन क्या होता है ना, कई बार ना ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि पूछ देगा कि मान लो यही वाला नेटवर्क डायग्राम दे देता और पूछ देता कि हाउ मेनी डमी एक्टिविटीज आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी डमीज आर रिक्वायर्ड। अब डमी यहाँ पे लगनी थी तीन, तुमने लगा दी पांच छह, तो भैया उस केस में तो इस सवाल का जवाब तुम गलत दे बैठोगे ना। हालांकि ऐसा सवाल नहीं पूछा गया है कभी, बट मैं कह रहा हूं कि डमी एक्टिविटी तभी लगाइए जहां पे अटमोस्ट नेसेसिटी है, जहां पे उसकी आवश्यकता है। बिना मतलब का डमी घुसा घुसा के प्रॉब्लम का नेटवर्क डायग्राम को बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? अच्छा, मैं काम करता हूं, इसको ना मैं पूरा का पूरा जो है अभी छुपा देता हूं, ठीक है? अरे यार ये क्या हो गया, वन मिनट। तो देखो मैं ना इसको जो है इसको अभी हाइड कर देता हूँ। अब एक काम करो, आप लोग तो क्वेश्चन को नोट कर ही चुके होंगे, तो क्वेश्चन नोट कर चुके हो तो जल्दी से ना एक बार अपने आप से इस नेटवर्क डायग्राम को बना के खींच के देख लो, फटाफट फटाफट बना लो, तब मैं आपको फिर से वो शो कर दूंगा, उसको देख लेना, कॉपी में उतार लेना, और उसके बाद हम लोग बढ़ जाएंगे आगे, ठीक है? जल्दी करो।
थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा चेक करके देख, तेरा आवाज नहीं आ रहा मेरे को। क्यों भाई, हो गया क्या? Yes, sir. मैं इसको एक बार वो कर देता हूँ, इसको देखो जल्दी से एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर। सर अगर पर कोई और एक्टिविटी डिपेंड कर रही होती मतलब independently तो अपन वो बनाते डमी। यार मेरे को तेरी आवाज नहीं समझ आ रही है, तेरा इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है। हाँ किसने बोला यार, एक बार और समझा दूं। तो मैंने। अच्छा इसमें कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया वो बता। सर फाइव से सेवन के बीच वाला जो अपन डी टू बना रहे हैं वो, बाकी सब तो क्लियर होगा। सुन मेरी बात सुन, अगर मैं सेवन पे आता हूँ है ना, तो सेवन से देख मैंने बनाया क्या है, आई जे और एन बनाया है, ठीक है? यस सर। आई जे और एन डिपेंड किस पे कर रहा है? H पे और L पे। H पे और L पे। अब देखो सेवन पे H तो खत्म हो रहा है, पर क्या सेवन पे L खत्म हो रहा था क्या? नहीं। तो इसके लिए मैंने यहाँ धरनी जोड़ के ये बताया है कि L भले ही यहाँ खत्म हो चुका है, बट L एक्चुअली यहाँ पे भी खत्म हो रहा है। मान ले यहाँ पे H का जो है ये होता टाइम तेरा सात, ये चालू हो रहा होता 10 तारीख को, और यहाँ पे L का टाइम होता 5, और ये यहाँ पे ये वाला चालू हो रहा होता लेट्स से 20 को, मान लो ऐसा मान लो। तो मेरे को बता तू यहाँ पे EST क्या लिखता है? 7। 7 7 लगते सर, क्योंकि है ना सबसे जल्दी वही है, ये 20 है, 10 को चालू हुआ है, 10 को चालू हुआ है, 7 दिन लेगा तो ये अच्छा, चालू 17 हो जाएंगे 17। और ये देख यहाँ पे ये 20 को चालू हुआ था और यहाँ पे डमी लगी है, वो 20 ही रहेगा। 17 लिखू कि 20 लिखू? 17 लिखेंगे क्योंकि अर्लीस्ट बोलना है। मैं यहाँ पे 20 लिखूंगा। क्यों 20 लिखूंगा? क्योंकि ये जो इवेंट है यहाँ पे ये भी खत्म होना चाहिए और ये भी खत्म होना चाहिए। अच्छा, अब ये वाला तो 17 को खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तो 20 को खत्म हो रहा है ना, और 20 को खत्म हो रहा है मतलब जब तक दोनों खत्म नहीं हो जाएगा तब तक आगे वाले में ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है सर, क्लियर हो गया अभी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक काम करिए, जल्दी से इस वाले प्रॉब्लम का नेटवर्क डायग्राम खींचिए, यहां से हम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण चीजें समझनी है, फटाफट ड्रॉ करिए। बन गया सर, 16 डेज आ गया, 1356 16 डेज। सर हाँ भाई बन गया क्या? यस सर, जल्दी से फैमिली बना लेता हूँ। वन से टू दो दिन, यस सर, वन से थ्री 8 दिन, दो से चार 130 रुपए का डाटा था। बहुत लगता है यार। लड़का सा हुआ बस
3 से 4 इसमें नहीं कर सकते आवाज तो आ रही है यार एक्चुअली ड्रिलिंग का काम चल रहा था इसलिए बंद किया था मैंने। तो नेटवर्क डायग्राम सबका लगभग यही बना है? यस सर, यस सर सेम बना है। एसटी एलएसटी लिखता हूँ 0 जल्दी से जल्दी 2 जल्दी से जल्दी इसका कितना आएगा? 9 इसका सॉरी 8 जल्दी से जल्दी 9 जल्दी से जल्दी 10 जल्दी से जल्दी 16 बेंचमार्क लेट से लेट 10 10 लेट से लेट 16 माइनस 5 11 लेट से लेट 8 लेट से लेट 11 माइनस 4 7 और लेट से लेट 0। अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है क्या? बोलो भाई, anybody has any problem up to this point? Sir. चलिए क्रिटिकल पाथ अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये हो जाएगी 1, 3, 5, 6 और इसमें जो ड्यूरेशन आ रहा है ये हो जाएगा 16 days। ठीक है, चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से देखिएगा, है ना। अगर आप इस पूरे के पूरे नेटवर्क डायग्राम को देखें
तो इस नेटवर्क डायग्राम में इवेंट नंबर 1, 3, 5 और 6 ये आपके क्रिटिकल इवेंट हैं, इनका ईएसटी एलएसटी सेम है, लेकिन इनके अलावा दो इवेंट और हैं, एक है इवेंट नंबर 2, एक है इवेंट नंबर 4। अगर मैं इसका ईएसटी एलएसटी देखूं तो ये सेम नहीं है। ऐसे इवेंट्स जो हैं ये कहलाते हैं नॉन क्रिटिकल इवेंट्स, ये हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि दीज इवेंट्स आर नॉन क्रिटिकल। कहने का मतलब है कि इनको चालू करने की कोई फिक्स डेट नहीं है, ये 2 को भी चालू किए जा सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7 2 से लेके 7 के बीच में कभी भी चालू करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 9 से लेके 11 के बीच में कभी भी चालू करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये जो इवेंट्स हैं, ये इवेंट्स जिस भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे, इवेंट बेसिकली होता क्या है यार, एक डेट होती है, तारीख होती है, तो ये तारीख जिस भी एक्टिविटी में अपना रोल प्ले करेगा, आइए देखते हैं उस एक्टिविटी का क्या होगा। यहां पर 1, 3, 5, 6 क्रिटिकल इवेंट था, तो एक्टिविटी वन से तीन क्रिटिकल एक्टिविटी हो गया, 3 से 5 भी क्रिटिकल हो गया, 5 से 6 भी क्रिटिकल हो गया। कहने का मतलब है कि ये जो 8 दिन का काम है इसको 8 ही दिन में करना पड़ेगा, 2 दिन का काम भी 2 दिन में करना पड़ेगा, 6 दिन का काम भी 6 दिन में करना पड़ेगा। अगर गलती से ये 2 दिन का काम 3 पे चला गया तो यहाँ पे 8+2 10 नहीं, 8+3 11 हो जाएगा, प्रोजेक्ट आपका डिले कर जाएगा। लेकिन अगर 2 और 4 नंबर के इवेंट की बात करूं तो 2 और 4 नंबर का इवेंट नॉन क्रिटिकल है, तो इसके बीच में जो एक्टिविटी है 2 से 4 या 2 के साथ मिलकर कोई एक एक्टिविटी बन रही है 1 से 2 या 4 से 6 के बीच में एक्टिविटी बन रही है 4-6, जहां पर भी 4 और 2 की गंदगी आ रही है, जैसे कि 3 और 4, ध्यान से देखो प्रोजेक्ट में 3 एक्टिविटी 1, 3, 3, 5, 5, 6 बस यही क्रिटिकल है मेरे भाई, बाकी जितनी एक्टिविटी है ये कौन सी कहलाएंगी? नॉन क्रिटिकल कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे ये 2 नंबर बनाता हूँ, ये वाला 2 नंबर, ये वाला, और यहाँ पे बना देता हूँ 4 नंबर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने के लिए, तो 2 और 4 के बीच में जो एक्टिविटी है उसमें सिर्फ 4 दिन का समय लगना है। अगर मैं 2 तारीख को चालू कर देता इस एक्टिविटी को, 4 पे खत्म करता तो यहाँ पे 6 आ जाता, लेकिन देखना मेरे भाई यहाँ पे डेट क्या लिखी है, 9 और 11, 2 और 7, समझ रहे हो ना? मतलब अगर इसको 2 पे चालू किया, 4 दिन लेके 6 पे खत्म कर दिया, तब भी कुछ उखाड़ पाऊंगा क्या? अबे अगला वाला जो इवेंट है वो तो 9 पे ही डेटेड है, 9 तारीख से पहले तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे अगली एक्टिविटी 9 के पहले चालू हो ही नहीं सकती, तो 6 पे खत्म करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। क्या समझ में आता है यहाँ से? समझ में यहाँ से ये आता है कि ये वाली जो एक्टिविटी 2 से 4 है जिसको करने में लगेंगे 4 दिन, अगर मैंने इस एक्टिविटी को 4 दिन में नहीं किया, कुछ एक्स्ट्रा समय ले भी लिया, तो भी प्रोजेक्ट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस 2 दिन का एक्स्ट्रा समय। कोई अभी अभी 2 दिन 4 दिन छोड़ दो, अभी इतना पता है कि एक्स्ट्रा समय तो है यहाँ पे, 9 से 11 के बीच में कर सकते हो, भी एक्स्ट्रा समय तो है। दिस एक्स्ट्रा टाइम, ये जो एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे अवेलेबल है, इस एक्स्ट्रा टाइम को ही हम लोग कहते हैं फ्लोट, फ्लोट या फिर एक और नाम है इसका, यहां लिख देता हूं, स्लैक। फ्लोट का मतलब हिंदी में बोलूं तो छुट्टी मारने का समय, छुट्टी, एक्स्ट्रा टाइम, समझ रहे हो ना?
तो सवाल ये उठता है कि ये फ्लोट वोट अपन कैलकुलेट ही क्यों करें यार, चुपचाप क्रिटिकल पाथ निकालो, काम करो, फ्लोट निकाल के क्या उखाड़ लोगे? सुनो मेरी बात ध्यान से, फ्लोट या स्लैक निकालने का जो पर्पस है वो है, इंग्लिश में लिख रहा हूं फिर समझाऊंगा, वो है बेटर रिसोर्स एलोकेशन। बेटर रिसोर्स एलोकेशन का मतलब है सही तरीके से बंटवारा, सही तरीके से अपने पास मौजूद सुविधाओं का बंटवारा, बेटर रिसोर्स एलोकेशन। देखो सुनो क्या होगा, देखो आपको मालूम है कि ये जो आपकी एक्टिविटी नंबर ये है 1 से 3, ये क्रिटिकल है, इसमें 8 दिन का समय लगेगा, बट आपको ये भी मालूम है कि पैरेलल में 1 से 2 और 2 से 4, पैरेलल में 1 से 2 और 2 से 4 जो है ये वाली नॉन क्रिटिकल है। नॉन क्रिटिकल है बोलने का मतलब क्या, कि अगर ये 2 दिन का काम है आराम से 7 दिन तक करके दूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये 4 दिन का काम है अगर 2 पे चालू किया आराम से 11 दिन में जाके दूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ रहे हो ना? Yes, sir. तो ये वाली तो क्रिटिकल है पर ये वाली नॉन क्रिटिकल है। अब मान लो ऐसा हो जाए कि यहाँ पे एक लेबर काम कर रहा है, मान लो वो लेबर कुछ भी काम कर रहा है, एक्स वाई जेड कोई भी काम कर रहा है, अब ये वाली एक्टिविटी से वो लेबर जो है वो गायब हो जाए, वो लेबर छुट्टी मार दे, आपको मालूम है यार 8 दिन का काम है, क्रिटिकल काम है, लेबर गायब हो गया, 2 दिन के लिए छुट्टी मार दिया, 2 दिन छुट्टी मारने का मतलब 8 दिन का काम 10 दिन पे जा रहा है, और अगर ये वाला क्रिटिकल काम 10 दिन पे जा रहा है मेरे भाई, तब तो आपका पूरा का पूरा क्रिटिकल पार्ट डिस्टर्ब हो रहा है, आपका प्रोजेक्ट भी डिले हो रहा है, हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये पैरेलल में पता है, आप ये बात जानते हो कि ये दोनों एक्टिविटी नॉन क्रिटिकल है, यहाँ पे छुट्टी मारने का समय है, यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल है, तो आप क्या कर सकते हो कि आपको जैसे ही दिखेगा कि यहाँ वाला लेबर छुट्टी मारा, आप तुरंत यहाँ वाले लेबर को यहाँ पे एंगेज कर सकते हो या यहाँ वाले लेबर को यहाँ पे एंगेज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो छुट्टी मारने से आपके प्रोजेक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ पे छुट्टी लग गई तो आपके प्रोजेक्ट की तो ऐसी तैसी हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि देखो आपके पास रिसोर्स था लेबर, आपके पास रिसोर्स था लेबर, उस लेबर को आपने यहां से निकाल के यहां डाल दिया, उसका बेटर आवंटन कर दिया, बेटर एलोकेशन कर दिया। ऐसा आप इसलिए कर पाए क्योंकि आपने क्या निकाल रखा था, क्रिटिकल पाथ, अबे फ्लोट या स्लैक निकाल रखा था। तो फ्लोट और स्लैक जो है ये होता है एक्स्ट्रा टाइम, ये होती है अवेलेबल छुट्टी, और आप अगर प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे कितना एक्स्ट्रा टाइम है, यानी कि कहाँ पे कितना फ्लोट है, ताकि आप फ्लोट को ध्यान में रखते हुए जरूरत पड़ने पे अपने पास मौजूद रिसोर्सेस का बेटर आवंटन, बेटर एलोकेशन कर पाए। एम आई क्लियर और नॉट? Yes, sir. सभी को समझ में आ रहा है, बोलो हाँ या ना यार। Yes, sir. चलिए चलिए, एक काम करिएगा, ये नेटवर्क डायग्राम सभी ने बना लिया है क्या? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ मैं, कुछ आपको समझाना है, और बात समझाने की अगली ये है, ये फ्लोट जो होता है ना ये 3 टाइप का होता है, एक होता है आपका टोटल फ्लोट, एक होता है आपका फ्री फ्लोट और एक होता है आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट। अब ये क्या क्या है जरा इसको समझ लेते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूं ना,
ये वाली जो पाथ है, ये वाला जो पाथ है, ठीक है ना, इसको मैं नेक्स्ट वाले पेज में फिर से खींच लेता हूं। ये वन से टू, टू से फोर, फोर से सिक्स, वन से टू पे लग रहा था 2 दिन, 4 दिन, और कितना लग रहा था भाई, 5 दिन, और यहां पे समय था 0.0, 2.7, 9.11, और ये क्या था, 16.16, ठीक है। अब देखो समझना मेरी बात को, अभी हम लोग जल्दी से ये समझेंगे कि क्या होता है टोटल फ्लोट, क्या होता है फ्री फ्लोट, क्या होता है इंडिपेंडेंट फ्लोट। देखो अभी मेरे को ये पता है कि इवेंट नंबर 2 और 4, इवेंट नंबर 2 और 4 जो है ये नॉन क्रिटिकल है, और इससे जुड़े जितने भी एक्टिविटी है, चाहे वो 2 से 4 हो, चाहे वो 1 से 2 हो, चाहे वो 4 से 6 हो, सारी की सारी नॉन क्रिटिकल है। और अगर एक्टिविटी नॉन क्रिटिकल है तो इसका मतलब है कि वहां पे छुट्टी मारने का स्कोप है, वहां पे फ्लोट अवेलेबल है। चेक कर लो, 9 पे चालू किया, 5 दिन का काम है, 14 पे खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर 16 पे भी करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन छुट्टी मारने का स्कोप है। यहाँ पे तो हम लोग चेक कर ही चुके हैं, यहाँ पे तो हम लोग चेक कर ही चुके हैं, तीनों में फ्लोट अवेलेबल है, ठीक है। अब समझते हैं कि टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या है। कोई एग्जांपल देखता हूं, जैसे मान लो मेरे को यहां पे दिख रहा है कि ये तीनों एक्टिविटीज कनेक्टेड है। कनेक्टेड है बोलने का मतलब है कि पहले मैं 1 से 2 करूंगा, फिर मैं 2 से 4 करूंगा, और फिर मैं 4 से 6 करूंगा। जब तक 1 से 2 नहीं हो सकता तो तब तक 2 से 4 नहीं हो सकता, जब तक 2 से 4 नहीं होता 4 से 6 नहीं होगा। मान लो ये एक्टिविटी है, यहाँ पे मैं दीवार खड़ी करता, दीवार खड़ी करने को मैं कह रहा हूं ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क के बाद आता है प्लास्टर, और प्लास्टर के बाद आता है पेंट। ब्रिक वर्क, प्लास्टर, पेंट, तीनों एकदम लाइन से जुड़े हुए हैं। जब तक ब्रिक वर्क नहीं हो जाता तब तक प्लास्टर नहीं होगा, जब तक प्लास्टर नहीं होता पेंट नहीं होगा। तीनों को करने वाले आदमी अलग अलग हैं, सुनते चलना। मान लो कि एक लेबर है जो प्लास्टर करता है, ये एक लेबर है जो प्लास्टर करता है। अब ये लेबर ने देखा कि भैया मेरे को अगर 2 तारीख को काम मिल गया तो मैं आराम से 11 तारीख को खत्म करके दे सकता हूं। 1 मिनट में यार, 1 सेकंड बस, आवाज आ रही है थोड़ा सा, मैं आपको कंटिन्यू कर। यार एक काम करें क्या, मैं ना आज वाली क्लास जो है यहीं पे हॉल्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। कल 7:50 की जगह मैं 7:30 चालू कर सकता हूँ क्या? यस सर।
आज का जो 20 मिनट है वो कल कवर कर दूंगा, कल की क्लास 7:30 बजे रखते हैं। क्या है कि घर पे काम लगा हुआ है दिवाली की वजह से और यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉइस आ रहा है, वो लोग भी काम बंद नहीं कर सकते, मैंने बात कर लिया अभी। तो आई एम सॉरी दैट आई हैव टू डिसकंटिन्यू दिस क्लास राइट नाउ एंड आई विल कंटिन्यू दिस क्लास फ्रॉम टुमारो एट 7:30 इन द मॉर्निंग। 7:30 बजे मैं स्टार्ट करूँगा, तो 7:50 का वैसे बना हुआ होगा लिंक, लेकिन आप लोग 7:30 बजे प्लीज आ जाइएगा, ठीक है। तो आज का जो 20 मिनट है वो अपन कल कर लेंगे, ठीक है। देन आई विल स्टॉप दिस क्लास, अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो यार अभी, बाकी अपन कल मिलते हैं, ठीक है। Okay, sir.